There you go. There you go. 1, 2, 3, and I love it. One. My band, ladies and gentlemen. Beautiful people. Very nice people, जी. आप लोग अपने लिए भी तालियां बजा सकते हैं बहुत जोर से. Very good. हमने सीजन टू के अंदर फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है. अब मेरी उछल कूद थोड़ी सी कम होती है बट होगी, डेफिनेटली होगी. एंड बाय द वे टुडे मोहसिन खान साहब इज गोइंग टू बी विद अस. Ladies and gentlemen, Inam Akhtar. फिर आपने ये गाना सुना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सुना ना आपने मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए. इसको हमने गजल में कन्वर्ट कर दिया. आपने सुना प्यार भरे दो शर्मीले मुझ में मेरी असन इतना ही है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इसको चेंज किया है. दैट ऑल्सो यू आर गोइंग टू हेयर इन आवर शो. वो आप भी आप जरूर देखेंगे और सुनेंगे. बहुत मेहनत से उसको तैयार किया. देन देयर इज गोइंग टू बी अ डांस परफॉर्मेंस बाय शहजाद एंड ड्यूक. लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट न्यूज. हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है. द शो इज कॉल्ड मुमकिन ही सब कुछ है. इसकी पहली खबर यह है कि मीरा ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड वापस देने का ऐलान कर दिया. जब हमने मीरा से पूछा कि इसका रीजन क्या है, अभी से नहीं बजाने, नहीं पहले मैं खबर बता दूं फिर हम बजाएंगे. जब हमने पूछा मीरा से कि मीरा आप ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्यों दे रही हैं, तो कहने लगी इसमें तीन लफ्ज अंग्रेजी के हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस. और मैं इतने कम अल्फाज में अंग्रेजी तो क्या अवार्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती. थैंक यू जी. बिजली के निर्खों में कमी कर दी गई है, बल्कि इनफैक्ट पहली अप्रैल से यह हुआ है कि हमारे मुल्क में बिजली आपको मुफ्त सप्लाई की जा रही है. बस आप स्विच जलाएंगे और बिजली नहीं आएगी. मुफ्त. वी ऑल लव क्रिकेट. बाबाए टुक टुक मिसबाउल हक ने 28 गेंदों में तेज रफ्तार सेंचुरी बनाकर शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड. आप लोग यकीन कर सकते हैं? नहीं. पक्की बात है? पक्की बात है? लेकिन उन्होंने तोड़ दिया. फिर उसके बाद उनकी मदर ने उन्हें उठा के कहा जा पुत्र दही फाड़ ले. बांग्लादेश की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गई. उसके बाद उनके मैनेजर ने अचानक दावा दायर कर दिया हाँ मुर्शिद बेईमानी हुआ है, हम नहीं सुनेगा. हमर को पांच एकदम पांच दिन चाहिए, पांच दिन चाहिए, एक दिन का वर्ल्ड कप नहीं है. फिल्म स्टार मीरा ने ओल लेवल्स में अंग्रेजी के मजमून में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर दुनिया का रिकॉर्ड कायम कर दिया. और ये सारे अंग्रेजी के पर्चे उन्होंने खुद ही चेक किए थे. लाहौर में
मैं भी मीरा से अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ प्लीज मीरा वन टू आई लव मीरा मीरा वी जस्ट लव मीरा। मुजाहिरीन ने लोड शेडिंग के दौरान एहतजाज करते हुए मुलाजमीन को फूल पेश किए। और उसके बाद उन पे रोड़े बरसाए। सीएनजी की बंदिश जो है वो दो दिन के बजाय सिर्फ दो मिनट की हो गई हमारे मुल्क में, दो मिनट की। अब पूरा दिन में सिर्फ दो मिनट सीएनजी खुलती है। वी ऑल लव दीना मलिक, राइट? दीना मलिक से हम सब प्यार करते हैं। मैं तो बहुत प्यार करता हूं वीना से। इनफैक्ट वीना के लिए तो मैंने एक नज़्म भी लिखी है। वीना, देखिए आप लोग दीना मलिक से प्यार क्यों नहीं करते? किसी को नहीं पता ना। सामने खवातीन बैठी हैं, कहती हैं बिल्कुल नहीं करते। पीछे मर्द बैठे हैं, कह रहे हैं हां हां नहीं नहीं, हां हां नहीं नहीं। वीना मलिक ने शोहर की तलाश शुरू कर दी। बेला पे उनकी नजर अभी तक नहीं गई। वीना ने शोहर की तलाश शुरू कर दी और बेगमात ने अपने शोहरों को छुपाना शुरू कर दिया। खवातीन अक्सर ये कहती हुई पाई गई हैं, तुम सेठन को देख लो, वीना को मत देखना। फिर से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। अब जो मैं नाम लेने वाला हूं आपको फौरन जवाब देना, फिर मैं बताऊंगा मैंने नाम लिया क्यों था। रीना रॉय, हसन खान, हाउ आर यू मोहसिन भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। इट्स गुड सीइंग यू सर। अच्छा वैसे ये क्या बात, क्या है, लोगों की उम्र आगे जाती है आपके पीछे जा रही है? सीरियसली, इज लुकिंग गुड इज़न्ट इट? ताहिर ये कहूंगा कि अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआएं साथ में, और क्या चाहिए। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा लेट मी जस्ट आस्क यू दिस और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझसे, जब मैंने आपको बताया कि आप आने वाले हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की थी कि मोहसिन भाई से सिर्फ एक सवाल कीजिएगा। पूरी कौम के जहनों पे है, हम सब के जहनों पे है, हम सब पूछना चाहते हैं। आपको पता तो चलेगा मैं क्या पूछ रहा हूं। नहीं आप बताएंगे मेरे पास। आपने फिल्में क्यों छोड़ दी? सच में ये वाला सवाल नहीं था। सवाल जो था वो ये था कि पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी हासिल की थी, पाकिस्तान बहुत कामयाबी हासिल कर रहा था आपकी कोचिंग में, लड़के जो थे वो फाइट भी कर रहे थे, स्पिरिट भी नजर आ रही थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन डेविड वॉटमोर को लाया गया, क्यों? आई थिंक जाहिर है सबसे पहले मैं बात कर चुका हूं आपने दूसरे जगहों पे भी, लेकिन मैं इसको एक तरह से कहूंगा और मैं जज्बाती नहीं हो रहा, फैक्चुअल फैक्ट्स बता रहा हूं। आज मोहसिन खान जो कुछ भी है वो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से। मेरे ड्यूटी बनती है कि मैं अपनी सर्विसेज अपने क्रिकेट बोर्ड को दूं। पहले मैं एज ए चीफ सेलेक्टर काम कर रहा था, फिर मेरे क्रिकेट बोर्ड ने कहा आप कोचिंग के लिए एक सीरीज के लिए जाए, मैं उसमें टीम को लेके गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने श्रीलंका के खिलाफ कामयाब किया, फिर बांग्लादेश के खिलाफ, फिर इंग्लैंड के खिलाफ, तो आई थिंक ये वो सीरीज थी शायद जिसको कहते हैं ना अ ड्रीम कम ट्रू, कि एक आदमी ख्वाब देखता है। नॉट जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू, फॉर एवरी वन। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल करेगा, दैट टू इन सच अ वे कि जहां इंग्लिश प्रेस जो है वो हिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए ना आई मीन जो वो विक्ट्री हुई थी, आई मीन इट वॉज समथिंग विच इज अनबिलीवेबल। आई मीन यहां को सोच भी नहीं रहा था उसके बारे में, ना क्रिकेटर्स सोच रहे थे, ना हमारी आवाम सोच रही थी कि हम इंग्लैंड को वो कहते ना एक टर्म है कि व्हाइट वॉश कर दिया। आप यकीन करें मैं फील करता हूं उनको व्हाइट वॉश नहीं किया, हमने वॉश आउट कर दिया।
कि इस और इसमें मैं यार शुक्र है मोहसिन भाई, हमने अंग्रेज को धोया तो सही वरना अंग्रेज हमेशा हमको धोता है। और यहां मैं जरूर एक बात कहूंगा, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत करम था सबसे पहले, उसके बाद मैं इस कप्तान से लेके एक एक प्लेयर को बहुत कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि जिस तरह और खूबसूरती से उन्होंने मैंने एज ए कोच अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए जो उनसे डिमांड मांगा डिमांड किया ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान नॉट बिहाफ ऑफ मोहसिन खान, पाकिस्तान के लिए क्या क्या हमें जान मारनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां एक बात जरूर कहता जाऊं कि जब हम इंग्लैंड से सीरीज खेल रहे थे तो वहां जो उनके एक्स कॉमेंटेटर्स वगैरह आए हुए थे, जिसमें कुछ एक दो मेरे साथ भी इयान बोथम और दूसरे प्लेयर्स थे बड़े बड़े, उनके कैप्टन एथरटन नासिर हुसैन डेविड लॉयड वगैरह, उन्होंने एक बात मुझसे कही कि मोहसिन हमने आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉडी लैंग्वेज ऐसी इतनी स्ट्रांग नहीं देखी। और मैं इसी बात की वजह से कहता हूं बॉडी लैंग्वेज में बड़ी चीजें आ जाती हैं, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, आपकी डेडिकेशन आ जाती है, आपकी मोटिवेशन आ जाती है। लेकिन इसको सम अप करने में, और मैं यहां पे ये बात कहूंगा कि अल्लाह के फजल करम से जो मैंने डिमांड किया जो ये जो रिक्वेस्ट की लड़कों से, इतनी खूबसूरती से एक एक प्लेयर ने रिस्पॉन्ड किया सीनियर से लेके जूनियर प्लेयर तक, तो मैं कहता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूं, उसके बाद मैं सारे प्लेयर्स का कप्तान से लेकर सारे प्लेयर्स का कि जिन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। अच्छा हमारा टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब आते हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया है। एक शख्स है जो पाकिस्तान को फतूहत दिलाता है, बहसियत कोच उसका नॉमिनेशन होता है, वो पाकिस्तानी टीम को लेके जाता है, एक ऐसे वक्त में लेके जाता है जब वो नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तानी टीम फतूहत हासिल करेगी, ही गोज देयर, इंग्लैंड को व्हाइट वॉश कर देता है, वॉश आउट कर देता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन वी फाइंड आउट कि उसको रिप्लेस किया जा रहा है एक गैर मुल्की कोच से। क्यों? इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद। हुमायूं सईद ग्रेसफुल बंदा है लेकिन एक्टर नहीं है। पहले तुम अच्छा आई रियली वॉन्टेड मोहसिन भाई टू डू दिस लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, माय डे इज गॉन फॉर दैट। यू माशाल्लाह स्टिल वेरी यंग, इट सूट्स यू बट नहीं, आई थिंक यू कैन डू इट टू मोहसिन भाई से एक एक मिनट तो करवाए ना मोहसिन, प्लीज खड़े हो मेरे साथ प्लीज, जस्ट वंस हियर वी गो 1 2 3 4 म्यूजिक। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल किया था मोहसिन भाई से कि ऐसा क्यों हुआ कि इनको चेंज कर दिया गया, इन्होंने ये मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चूंकि पाकिस्तानी है एंड पाकिस्तानी हर हालत में पाकिस्तान से प्यार करता है, मैं एक दफा जंग पढ़ रहा था, मोहसिन भाई ने लॉर्ड्स में 200 किए थे जी, एंड मोहसिन भाई गावस्कर के पास गए और सुनील गावस्कर से, द लेजेंडरी सुनील गावस्कर साहब, उनसे पूछा कि मुझे बताइए मैंने गलती क्या की इस 200 में, और गावस्कर ने जवाब दिया कि तुमने 200 रन किए और तुम मुझसे पूछना आए हो कि तुमने गलती की। जमन कोर्स बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको दिखाएंगे भी सुनवाएंगे भी, और अभी एक डांस परफॉर्मेंस है कोर्स, इसमें हम तीनों में से कोई भी शरीक नहीं है। ऐसे सही में वन थिंग, आप दोनों कराची में रहते हैं, कराची में लोड शेडिंग का बहुत प्रॉब्लम है, ज्यादा बिजली किसके घर में जाती है, आपके घर में कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता क्योंकि मेरी घर नहीं जाती है, जाती है तो फॉरन जनरेटर ऑन हो जाता है, कम एहसास होता है। लेकिन बहुत खूबसूरत आपने बात की, शायद मैं ये कहूंगा कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, ये मैं या आप या बहुत से लोग जिनके पास जनरेटर्स हैं यूपीएस है, लेकिन उन लोगों के ऊपर बहुत मतलब दुख होता है
कि जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है और बेचारों को घंटे घंटे बिजली की प्रॉब्लम होती है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत जल्द सीरियस नोटिस लेके इस प्रॉब्लम को हल करेगी, बिकॉज बिजली आपकी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, उसके बगैर लाइफ में अंधेरा है। अच्छा चलो वन थिंग, यू लेफ्ट मूवीज, यू लेफ्ट ड्रामा, सीरियल्स कम किया आपने, वर्किंग टेलीविजन किया, कर दिया काफी किया। अच्छा ना ना चलो, अगर कोई बहुत अच्छा रोल ऑफर हो मुझे डू इट स्टिल करेंगे आप? आई मीन मौसम खान वॉज अ कोच, द एक्स कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हो सकता है आगे भी आपको जहां सिलेक्शन कमेटी के आप चेयरमैन गए हैं, वुड यू स्टिल डू इट? देखिए मैं बीच में मैंने काफी अच्छे तकरीबन 18-20 साल शायद शोबिज में काम किया, लेकिन मेरी पहचान मौसम खान की पहचान क्रिकेट है। हालांकि जब मैंने फिल्म में काम किया तो टीवी सीरियल्स में काम किया तो टोटल लगन के साथ, और अभी मैं यहाँ पे इरम की बात से 100% इनको सेकंड करूंगा। मैंने शायद जब बाहर काम किया और यहाँ भी काम किया तो मुझे फर्क पता है सिर्फ एक चीज का लगा कि हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं, टेक्नीशियन में सारे डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, दूसरे लोग और प्लस आर्टिस्ट, प्रोफेशनलिज्म की कमी है। और बिलीव मी नॉट, मैं सारी यहाँ पूरे सारी आवाम को बताना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल वहाँ बाहर काम किया इंडिया में, लेट्स से क्लियरली, लेकिन वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इतनी ज्यादा है कि जब आप एक अच्छी फिल्म की अच्छे रोल की बात करते हैं तो पर्सनल लाइफ से डिसलाइक्स खत्म हो जाते हैं। फिर वहां उस एक्टर को या उस फीमेल आर्टिस्ट या मेल आर्टिस्ट को देखते हैं कि इस कैरेक्टर में कौन सूट करता है, और अब उसे आप लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते एट एनी कॉस्ट। और जिस तरह हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री इतनी ऊपर गई है, मैं ऑनेस्टली ये उम्मीद करता हूं अपने अच्छे अच्छे डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, कि कैरेक्टर को देखें, पर्सन को ना देखें, कौन सा आर्टिस्ट किस कैरेक्टर में फिट हो, चाहे आपके साथ उसकी नाराजगी बातचीत ना हो, आप उससे जब काम ले रहे हैं वो काम कर रहा है, उसके आप अच्छे उसके उसको न्यूमरेशन दे रहे हैं, उसके रिटर्न अच्छे दे रहे हैं, दैट्स हाउ इट शुड बी। नहीं हमारे यहाँ तो सॉरी हमारे यहाँ तो इतनी नकासी होती है कि लाइक सॉरी सब जब देखेंगे तो ये मेरी एक की मेरी बेटी बना देंगे तो मैं कैसे की माँ लगूंगी? आप सोच ना, अगर मैं चलो गरीब बची तो झुलिया डाल लेती, अब एक अमीर तरीन औरत है वो तो कुछ भी, अब उसकी साइज की एज की बच्ची सामने खड़ी कर दिए, क्यों? क्योंकि वो कम पैसे पे आ रही है, क्योंकि उसके पास बेच है। ये क्या होता है? ये है हमारी फील्ड में, हम लोगों के यहाँ कोई भी मतलब कैरेक्टराइजेशन नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। मेरा हस्बैंड मेरे से 100 गुना ऑर्डर कर रहा है, आपको गुस्सा तो कभी नहीं आता, मुझे गुस्सा आता है, सही बात होता है, सही बात होता है, मैंने कभी प्रैक्टिस की किसी और को निकालने की, कभी नहीं कर सकते क्या कह रहे हैं मेरे घर की नहीं सॉरी मैं ऐसी हूँ, सही बात कहते हुए आ रहा हूँ मैं, सही बात करती हूँ ना। अभी एक थोड़ा सा टेस्ट है आप दोनों का और सही बातों का टेस्ट, ठीक है? मैं 5 नाम लूंगा, जो पहली चीज जहन में आती है वो आपने कहनी है, 5 नाम लूंगा जो पहली चीज जो सही बात बोलनी है, पहली चीज जो जहन में आती है वो आपने आपने बोली, पहले आप दोनों फैसला कर लीजिए, मैं होकर आपको बता दी कौन कौन करेगा। नहीं भाई एक यूनिवर्सल कल्चर है लेडीज पर, बहुत आसान, बहुत आसान, कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, मैं ऐसे नाम लूंगा जिनको आप जानती हैं और बेपना मोहब्बत करते हैं आप उनसे, बेपना प्यार करते हैं, और चौधरी शुजात ये पॉलिटिशियन है तो मैं बिल्कुल नहीं जानती उनको, नहीं मैं कह रहा चौधरी शुजात जैसे लोग मैं नहीं जानती हूँ उसी। अच्छा है 1, 2, 3, 4 इमरान खान, बहुत अच्छे हैं वो, मुझे बहुत पसंद है वर्ल्ड कप के 1992 वाले वर्ल्ड कप के जॉन अब्राहम, सही है एवरेज है, सलमान खान अच्छा एक्टर है, तुम्हारे सही ड्रेसल बन रहा है लेकिन एक्टर नहीं है, लेकिन एक्टर नहीं है, एक्टर फैसल कुरैश बहुत सुपर, बहुत सुपर, यहाँ मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, इजी क्या इजी लेडीज फर्स्ट, हो गया 5 हो गया। अच्छा आपके लिए भी, आप इनसे बेपना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, मैं जाए कैसे, अच्छा गुड
showbiz. Good for showbiz. Okay. Rekha ji. Tremendous, one of the finest actors Indian cinema has produced. Reema ji. Very hardworking, very dedicated. Shabnam ji. Shabnam ji, no doubt when I was young, I used to watch her, but she, many of you suna hai ki she was a very, very professional at her job. And that showed her that she was one of the greatest heroines of Pakistan film industry. अब जो मैं नाम लेने वाला हूँ आपको फौरन जवाब देना तो मैं बताऊंगा मैंने नाम लिया क्यों रीमा रॉय पास्ट हिस्ट्री बट पार्ट ऑफ द लाइफ इट वॉज सारी दुनिया जानता है मेरे पूरे मुल्क मेरे कौन जानती है लेकिन कुछ चीजें लाइफ में होती है शायद जो चल के रुक जाती है एकदम से और लेट मी से वन थिंग के अल्हम्दुलिल्लाह आई मैरिड टू अ पाकिस्तानी गर्ल नाउ मेरी कजिन है शी इज ऑल्सो अ पठानी गर्ल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आई एम हैविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ विद हर में एक कैरेक्टर ऐसा अगर आपको दोबारा मौका मिले फॉर्म वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम विद इरम अख्तर एंड मोहसिन हसन खान साहब मोहसिन साहब क्या गैर मुल्की कोचेस जरूरी हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए क्या जरूरी है गैर मुल्की कोचेस नॉट नेसेसरीली हां जरूरत भी है डिपेंड करता है कि किस वक्त किस चीज की जरूरत है मैं कभी भी गैर मुल्की कोचेस के खिलाफ नहीं हूं ना कभी हूंगा लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूं कि पाकिस्तान खुद एक इतना टैलेंटेड मुल्क है कि यहां पे बाहर के कोचेस की जरूरत नहीं है और हां बस ये कि सही गाइडलाइन देखिए कोच का मतलब होता है हां कोच जरूर एक काम कर सकते हैं कि हमें मैंने पहली बात की थी कोचेस को बुलाएं बाहर से एकेडमीज में डालें 16 साल के 19 साल के बच्चों को क्रिकेट सिखाएं आज की तारीख में आप यूनुस खान को शाहिद आफरीदी को या मिसबा को क्रिकेट नहीं सिखाएंगे वो सीख चुके हैं जिन्होंने क्रिकेट आपको यंग लड़कों की तरफ आप उसमें डालें और दूसरी बात हमें एक बात की जरूर मैं कहूंगा शायर पूरी सब लोग जो शो देख रहे हैं हमें फिटनेस प्रॉब्लम बहुत है हमारे क्रिकेट बोर्ड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहर से ट्रेनर्स और फील्डिंग कोचेस बुलाएं बिकॉज हमारी फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है इधर जब कमजोर है वेरी क्विक क्वेश्चन एरम आप भी क्रिकेट देखती हैं अभी पाकिस्तान बांग्लादेश का जो मैच हुआ था जो फाइनल हुआ था जिसमें हम जीत गए थे और उसके बाद अचानक बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने ये शोर मचा दिया कि जब हमें 5 पेनल्टी रन दिए जाएं व्हाट्स योर टेक ऑन इट सॉरी 5 मिनट्स क्या 5 पेनल्टी रन दिए जाए हमको वो एक वाक्य हुआ था तो टेल मी व्हाट्स योर टेक ऑन इट आप क्या कहेंगे सॉरी मैंने मैच देखा नहीं था लेकिन मैं जानती हूँ कि नहीं मैं उसके लिए कहूंगा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम पाकिस्तान एशिया कप जीता बहुत अच्छा खेला जीता लेकिन बांग्लादेश से मैं सिर्फ उनको एक क्रेडिट इस वजह से देना चाहता हूं कि वो सबसे कमजोर टीम थी टूर्नामेंट में पूरे टूर्नामेंट टू द फाइनल्स एंड आई टेल यू व्हाट द वे दे प्ले और जो उनकी बेस्ट चीज थी बेस्ट चीज जो उनमें प्रोफेशनलिज्म था जो एक जज्बा था उनमें जिससे वो खेले हैं आई थिंक उसका क्रेडिट उनको देना चाहिए लेकिन आज एज अ पाकिस्तानी मैं कहूंगा कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम वो एशिया कप जीते और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा करेंगे अच्छा इरम वन कैरेक्टर दैट यू वुड प्ले इन अ मूवी एक मूवी में एक कैरेक्टर ऐसा अगर आपको दोबारा मौका मिले परफॉर्म करने का तो कौन सा कैरेक्टर होगा हाँ ये बात मैं खुल के सबको बताऊंगी मैं ये कहती हूँ मुझे वीर जारा जारा का जो कैरेक्टर था जो प्रीति जिंटा ने किया वो करने को मिले तो आई थिंक कि मैं उनसे बेस्ट कर सकती हूँ रियली यस आप प्रीति जिंटा से बेहतर जारा पोर्ट्रे कर सकते हैं बिल्कुल तो हम लोग वीर को बुला ले फिर अभी हो जाए एक्टिंग का डेब्यू हो जाए वीर एंड जारा या होना चाहिए हेलो मोहसिन भाई देखे वो तो सर अपनी जगह सिलेक्शन कमेटी अपनी जगह क्रिकेट अपनी जगह बट देन वी हैव सीन मोहसिन हसन खान रूल द इंडस्ट्री फॉर 18 इयर्स लेकिन आपने 20 ज्यादा देखी है मैंने देखी नहीं उसके लिए फीलिंग्स की जरूरत होती है इस शो में जहाँ हम हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं वहाँ के फीलिंग्स कहाँ से आएंगी अरे आएंगी मैं अभी बताता हूँ आएंगी ओके शट द म्यूजिक प्लीज शट द म्यूजिक
थैंक यू। वीर ये बैठे हैं, आप ज़ारा कीजिए। मैं पंजाबी वाला वीर हूँ, मैं सचमुच में वीर हूँ पंजाबी वाला। बोलिए तो मेरा वीर की बात है। ऑनेस्टली मैंने वो फिल्म की तारीफ बहुत सुनी है, लेकिन मैंने फिल्म देखी नहीं। अच्छा, इफ यू वर टू प्ले अ कैरेक्टर, कोई एक मूवी का कैरेक्टर, आपने मूवीज तो की हैं, जो आप करना चाहते हो और नहीं किया, कौन सा होगा? देखिए, बिल्कुल इस तरह क्रिकेट में अगर आप पूछें कि कौन सी इनिंग्स आप खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो ये एक मुश्किल जवाब होगा कहने के लिए। लेकिन अगर मैंने कभी किया भी, तो मैं एक ऐसा चैलेंजिंग रोल करना चाहता हूं कि जहां मुझे पता चले कि मैंने कुछ काम किया है। एंड आई थिंक वो ये बड़ा बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है, जैसे क्रिकेटर के लिए बैट्समैन हो या बॉलर हो, कि वो वाला मेरा 100 जो था। अब लोग जैसे क्रिकेट में मेरा कहते हैं लॉर्ड्स का 200 इज द टॉक ऑफ द टाउन, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरा 151 था मेलबर्न पे, आई थिंक दैट वॉज द इनिंग जिसने मुझे कमाल का सेटिस्फैक्शन दिया था। तो इसी तरह एक आर्टिस्ट का भी होता है, आई थिंक उसे एक ऐसा रोल मिले कि जो वो एक सिक्का जमा दे अपना के हाँ। ज़ारा एक काम करते हैं, वीर आपके बराबर में है, वीर कुछ नहीं कह रहे, वीर चुप है, ज़ारा ने वीर चुप है, वीर बिल्कुल चुप है, वीर ने कुछ नहीं कहना। आपने सिर्फ वीर को यह बताना है कि वीर मैं सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। वीर को बताना है, म्यूजिक वही होना चाहिए वीर ज़ारा वाला। हेलो, ओके, क्या हो गया? हेलो, सॉरी, मैं जिस अड्डे से आ रही हूँ अभी जबान लैंग्वेज गया। हेलो, म्यूजिक भी वाला बजा दिया। नहीं नहीं प्लीज, देखिए ऐसे नहीं होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है। क्या पता कोई इंडियन डायरेक्टर है, तो खामोशी से भी आंखों से जाहिर कर इजहार हो जाता है, तो प्लीज आंखों से कीजिए इजहार। अभी तो ये बिल्कुल वही बात हो जाएगी, पाकिस्तानी प्रोडक्शन वाली बातें हो जाएंगी। नहीं भाई, जिसमें वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, स्क्रिप्ट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ना ही एक्सेसरीज मिलती है, प्लीज किसी तरह से परफॉर्म कर दो प्लीज। कर देती हूँ, ओके, देयर यू गो, थैंक यू। अक्सर है, लेकिन ये उसका 5% भी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, जो आप उसमें करेंगी ओरिजिनल, अगर चांस मिला। अगर चांस, मैंने तो ये सोचा था, जो मैं हम लोगों की बातचीत हो रही थी ऊपर, तो मैंने कहा था अगर मैं वो ना कर सकी तो हो सकता है मैं कभी प्रोड्यूस कर दूं वो काम। वाओ, हाँ, जिंदगी फ्री का एक्टर, फ्री का एक्टर, नो मनी, एब्सोल्युटली नो मनी। मैं बाकी ये वेरी चीप सोच के बैठी हूँ कुछ चीजें अपने जिंदगी में, बट मैं करके दिखाती हूँ, बताती हूँ। क्या लाइन बोली थी आपने? के कुछ भी, वीर मैं सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी हूँ। लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ हो जाए तो कितना अच्छा, मैं नजर ही ना हूं। वीर यहाँ है, आई थिंक कैमरे में, मैं कैमरे में देख के बोलती हूँ ना। मैं सारी जिंदगी इसी तरह तुम्हारा इंतजार करूँ। वीर करने की क्या जरूरत है? अच्छा, भाई लगता है मैं सारी उम्र तुम्हारा इसी तरह इंतजार करूं। सच में? मुझे पहले से ही पता था, बहुत अच्छी तरह से पता था कि मुझे ये रिश्ता मंजूर करना पड़ेगा। धन्यवाद। Sorry, wasn't my. See, it's all in jokes and fun. Aram is a very dear friend, and of course, Mohsin Saab is Mohsin Saab. ये पूरा शो जो है इसी तरह का है. I mean, this is what I want to do. I love being here on the set, talking to you guys. I sincerely want to thank you. बहुत बहुत शुक्रिया for being here on the show. Thank you very much. Aram, thank you so very much. बहुत बहुत शुक्रिया for being here on the show. आपको बहुत शुक्रिया कि आपने देखा, लेकिन जाते जाते एक डांस तो होना चाहिए. हमारा नहीं है. एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा डांस करता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शहजाद एंड कंपनी.
जिंदा मुझे दरबार के मजबूरी के दिन है चलो झूमे और जाए तू सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो जान मांगे कभी इनकार ना हो हमारी जीत में भी किसी की